गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। सो गाइस, मैं आपके लिए एक नई कंट्री ले आया हूँ। ओके गाइस, सो इसका नाम है गाइस एल सेल्वाडोर। सो ये गाइस, ये कहाँ पे लोकेटेड है कंट्री, तो मैं आपको बता दूँ, ये सेंट्रल अमेरिका में गाइस ये लोकेटेड है कंट्री, ठीक है। और इसकी क्लोज कंट्री है होंडुरस और ग्वाटेमाला। ओके गाइस, तो हम आते हैं अभी इसके कैपिटल पे गाइस। तो इसका कैपिटल है गाइस सैन सेल्वाडोर, ठीक है। एल सेल्वाडोर की एक लार्जेस्ट सिटी है सैन सेल्वाडोर, ये सैन सेल्वाडोर इसका कैपिटल है गाइस, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे गाइस। तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है गाइस इंग्लिश। अभी हम आते हैं इसके इथनिक ग्रुप पे। तो गाइस यहाँ पे 86% गाइस मेस्टिजो है, 12% वाइट है, 0.2% इंडिजीनियस है और 1% गाइस यहाँ पे ब्लैक है। अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे गाइस। तो 84% गाइस यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, 44% रोमन कैथलिक है, 37% प्रोटेस्टेंट है और बाकी 0.3% अदर्स में आते हैं गाइस, वो मिक्स में। ओके गाइस, अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे गाइस। तो यहाँ पे गाइस करेंसी है USD, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स, ठीक है, USD यहाँ पे चलती है। तो यहाँ का $1 वहाँ का, इंडिया में तो आपको पता है 81, 80, 82 ऐसे ऐसे चलते रहते हैं गाइस, ठीक है। अभी हम आते हैं इसके गाइस कॉलिंग कोड पे। तो इसका कॉलिंग कोड है +503, ड्राइविंग साइड है राइट साइड गाइस, पॉपुलेशन है मोर देन 65 लैक्स, 65 लैक्स से ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे गाइस, ठीक है, एल सेल्वाडोर में। और वीज़ा गाइस, अभी हम आते हैं वीज़ा प्रोसेस पे। तो गाइस इंडियंस को यहाँ पे 90 डेज के लिए वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा 90 डेज के लिए, ठीक है, जैसे कि होटल रिजर्वेशन और आपकी रिटर्न टिकट्स देख के। लेकिन मोस्टली यहाँ पे 90 डेज़ का ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है इंडियंस को। और और अच्छी बात यहाँ पे ये है एल सेल्वाडोर में, क्या यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर चलते हैं, तो करेंसी काफ़ी अच्छी कन्वर्जन में इंडियन करेंसी में अच्छी खासी आ जाती है। ओके गाइस, और यहाँ पे अगर हम टूरिस्ट वीज़ा हमें नहीं लगता है 90 डेज़ के लिए, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट पे उतर के ही हमें टूरिस्ट कार्ड लेना पड़ता है, वो $10 चार्ज करते हैं और अराइवल पे ही वहाँ पे हम इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, तो $10 का टूरिस्ट कार्ड रहता है, वो हमें परचेस करना पड़ता है। ओके गाइस, अभी हम आते हैं इसके मिनिमम वेजेस, एवरेज वेजेस और मैक्सिमम वेजेस, ठीक है गाइस। तो मिनिमम वेजेस है गाइस 430 USD, तो इंडियन करेंसी में होता है 34,830। एवरेज वेजेस है गाइस यहाँ पे 1710, 1710, तो इंडियन करेंसी में होते 1,38,000। और मैक्सिमम गाइस यहाँ पे तो 7,600 है, ठीक है, तो 6 लैक्स मैक्सिमम होती है एवरेज मंथली सैलरी, ठीक है गाइस। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पे और टीचर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, जो स्कूल में टीचिंग कराते हैं या ट्यूशन टीचर्स, यहाँ पे टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्कोप है, होटल डिपार्टमेंट, होटल मैनेजमेंट जिसने किया है उसके लिए अच्छा है, रिटेल स्टोर्स के लिए अच्छा है, काफ़ी कंपनीज है, तो वर्कर्स लेबर्स काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और USD है इसलिए पैकेज भी अच्छा मिल जाता है मंथली, ठीक है गाइस। लेकिन यहाँ पे स्पेनिश चलता है, इंग्लिश नहीं चलती है, ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन काफ़ी इंडियंस भी हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो मैनेजेबल हो जाता है गाइस, ठीक है। तो आप अगर टूरिस्ट इससे जा रहे हो तो वहाँ पे आप अगर आपको मिलता है कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसे ग्रैब कर सकते हो। ओके गाइस, ठीक है। तो अभी हम आते हैं इसके रूट पे गाइस। तो इसका रूट है गाइस, मैं आपको बता दूँ, एमिरेट्स है, फ्लाई एमिरेट्स। तो मुंबई टू दुबई आपको जाना है, दुबई टू ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में तो इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, दुबई में भी नहीं लगता है गाइस, तो मुंबई टू दुबई आ गए आप एमिरेट्स से, दुबई टू ब्राज़ील भी आ गए विदाउट वीज़ा, ठीक है। अभी हम आपको मैं आपको बता दूँ क्या, ब्राज़ील टू एल्डोराडो कोलंबिया, ठीक है, वहाँ पे जाना है, उसका भी वीज़ा नहीं लगता है कोलंबिया में, इंडियन को ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता गाइस। तो ब्राज़ील टू एल्डोराडो, एल्डोराडो टू सैन सेल्वाडोर, ये इसका कैपिटल है एल सेल्वाडोर का, ठीक है गाइस। तो आपको पूरे ट्रिप में आपको कहाँ पे भी वीज़ा नहीं लगा, इंक्लूडिंग ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं लगा आपको, मैंने ऐसे रूट आपको ढूंढ के दिया, ठीक है गाइस। तो एमिरेट्स से आप मुंबई टू दुबई आ गए, दुबई टू ब्राज़ील आ गए, आगे की फ़्लाइट होगी गाइस आपकी ब्राज़ील टू एल्डोराडो, एल्डोराडो टू सैन सेल्वाडोर, ओके, इसका कैपिटल है एल सेल्वाडोर का। और एवियन का उसकी एयरलाइंस का नाम है, पहली एमिरेट एयरलाइंस और दूसरी है एवियन का एयरलाइंस, ब्राज़ील टू एल्डोराडो, एल्डोराडो टू सैन सेल्वाडोर, एक ही स्टॉप है ब्राज़ील के बाद एल्डोराडो, एवियन का एयरलाइंस है।
और दूसरा स्टॉप है, लास्ट स्टॉप है सैन सल्वाडोर, जहाँ पे हमें उतरना है गाइस। ठीक है, तो फुल ट्रिप का आपको मैंने रूट बता दिया है, विदाउट ट्रांजिट वीज़ा, विदाउट वीज़ा आप यहाँ पे एल सल्वाडोर पहुँच जाओगे। यहाँ पे करेंसी भी अच्छी है, USD चलती है, पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छा है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जा सकते हो वहाँ पे। ठीक है गैस, और अगर अभी मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप जा रहे हो तो आप प्लीज़ अपना ये ले जाइए, होटल रिजर्वेशन फंड्स लेके जाइए, क्रेडिट कार्ड लेके जाइए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, नेसेसरी है, कोविड के सर्टिफिकेट्स आप कैरी कर लेना क्योंकि चाइना में वापस कोविड निकला हुआ है, तो ये आप ध्यान में रख के आप अपनी टिकट्स बुक करें। ठीक है, तो सब डॉक्यूमेंट्स रखे आपके पास, यहाँ पे तो वीज़ा नहीं लगता इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा भी इस रूट में नहीं लगेगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो दैट्स इट, रेस्ट ऑफ आप अपने फंड्स और होटल रिजर्वेशन इंश्योरेंस वो जो चाहिए फंड्स क्रेडिट कार्ड्स ये सब कुछ मैंने जो आपको बताया वो नेसेसरी। ओके गाइस, तो यही था, और कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है गाइस, ओके ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तिलक ब्लॉग, हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।